नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से सॉल्यूशन वीडियो में। आज हमारे पास है उत्तराखंड हिंदी का सेट नंबर 20। उम्मीद है कि ये जो सॉल्यूशन वीडियोस हैं ये आपके लिए काफी मदद कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से नया सेट है हमारे पास उत्तराखंड हिंदी 20, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि वह बीमार ना होता तो परीक्षा दे पाता, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? ठीक है, उपवाक्य के हमारे पास भेद तीन है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जो संज्ञा आश्रित की पहचान है वो है आपका कि ये उपवाक्य किससे की से शुरू होते हैं और अधिकतर उपवाक्यों में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है, कथन होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, ये की के बाद का क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आश्रित है वो किस पर है, राम पर, राम एक संज्ञा है तो क्या हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरे की बात करते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो ये जो, जिसे, जिसने, जिन्हें और जिसको से क्या करते हैं, शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे आपने बुलाया था वह लड़का आया है। अगर हम इसको आधा को देखें कि वह लड़का आया है तो इसका पता नहीं चल रहा, इसको बता रहा है कौन, इस लड़के की विशेषता, जिसे आपने बुलाया था, कौन लड़का आया है, जिसे आपने बुलाया था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखो ये आगे पीछे दोनों जगह हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का आया है जिसे आपने बुलाया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जहां से लगेगा वहां से वो क्या हो जाएगा, उपवाक्य। तीसरे की बात करते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन उपवाक्यों को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनकी पहचान है जब तब, अगर वाक्य में जब होगा तो तब भी होगा, यदि तो क्योंकि इसलिए जहां वहां यद्यपि तथापि, ये युग्म शब्द आएंगे वाक्य में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वह वहां पढ़ती है जहां मैं पढ़ता था, वह वहां पढ़ती है जहां मैं पढ़ता था, क्रिया क्या है यहां पर, वहां पढ़ती है, कहां पढ़ती है, जहां मैं पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, नोट कर सकते हो इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, और जो संभावना वाले शब्द होते हैं ये होते हैं जानो, मानो, मनु, ज्यों, जैसे। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो मनहु आ गया। अगला है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलबारी सबे चले आई, थर्डे ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि जैसे नीलमणि सेल पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे कौन दिख रहे हैं, श्री कृष्ण। पद्मावती सब सखी बुलाई तो कैसे आई, मानो कोई फुलवारी चल के आ रही है, ऐसे हो गया। ले चला मैं तुझे कनक जो, जैसे कौन जाता है, भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को आठवीं अनुसूची में शामिल एक या अधिक भाषा को राज्य की राजकीय भाषा चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसका है आपका आर्टिकल 145। इसके अलावा तीन ऑप्शन हो रहे हैं हमारे पास, 350 हो गया, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसमें क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को एक तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, दूसरा इस भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। दूसरा है हमारे पास 348, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडलों की जो विधेयकों और अधिनियमों की भाषा है वो है। उसके अलावा 344 या आपको काफी लोगों को आता होगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा आर्टिकल 344 के तहत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती इनमें से, आपके पास ऑप्शन है मगही, कौरवी, बांगरू और बुंदेली, तो इनमें से आपका आंसर है मगही। इसके अलावा याद करने के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश है शॉर्टकट ट्रिक के मदद से, पहले आते हैं हम पूर्वी हिंदी के बारे में। तो पूर्वी हिंदी हो गई ए बी सी, कैसे, अवधि बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक हो गया। पश्चिमी हिंदी जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करती है, जो सबसे कठिन लगता है याद करने के लिए, वो है
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। इसको कैसे याद करना, बाबू कन्नौज के कोरों पर वज्र पड़े, तो बा से मतलब हो गया बांगरू, इसी बांगरू को हरियाणवी भी बोलते हैं, भू से हो गया बुंदेली, और इसके अलावा आपका कन्नौज से कन्नौजी, कौरव से कौरवी और ब्रज से ब्रज भाषा। राजस्थानी में आते हैं मामा मेज, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ठीक है, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। तीसरा हमारे पास बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, आपको सबको पता है कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार में, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई मैम है वो क्या है, भोजपुरी, भोजपुरी मैम, मैं से हो गया मैथिली, मां से हो गया मगही। लास्ट हमारे पास पहाड़ी, तो गढ़वाली कुमाऊनी, ये आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, खुरपा है, खुरपा कैसा शब्द है, देशज विदेशज तुर्की या पुर्तगाली, जो खुरपा है वो है देशज शब्द, खुरपा। इसके अलावा आप देख सकते हो देशज शब्दों में ठेठ, लोटा, अटकल, पगड़ी, ये सारे शब्द किसमें आते हैं, देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं लगाया जा सकता या नहीं लगता है, तो उनको माना जाता है कि वो शब्द इसी क्षेत्र से क्या है, उनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 से, अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण, तो जो अविकारी शब्द होते हैं वो होते हैं अव्यय। अविकारी या अव्यय शब्दों में क्या होता है कि इनमें लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम देख सकते हैं, जो हमारे पास पद होते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया, ये क्या होते हैं, विकारी, ठीक है, इन पे जो है विकार उत्पन्न होता है, और जो क्रिया विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका अविकारी। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है, इसको आप देख सकते हो, वह मेरी भावना को भली भांति समझता है, वह है क्या, सर्वनाम, भावना है यहां पर संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भली भांति हो गया क्या, क्रिया विशेषण, और समझना हो गया क्या, क्रिया। अब देखो ऊपर से नीचे मैंने इसको वह को क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया, तो ये वह का क्या हो गया, वे हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, भावना थी तो मैंने भावना को बहुवचन में बना दिया, तो क्या हो गया, भावनाओं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, समझता क्रिया थी, बहुवचन आ गया तो क्या हो गया, समझता का समझते, लेकिन यहां पर भली भांति क्या है, जैसे का वैसा ही यहां पर आया है, तो भली भांति एक प्रकार का क्या है, अविकारी शब्द है, अव्यय के अंतर्गत आता है, एक क्रिया विशेषण पार्ट उसमें आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, इस वाक्य में कर्तृवाचक, इस वाक्य को कर्तृवाचक में परिवर्तित कीजिए, ये जो वाक्य है ये किस वाचक का है, हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो यह आपका कर्मवाचक का। सबसे पहले ध्यान रखना, जो वाच्य परिवर्तन में आपके पास आएगा तो ना तो आपके पास कोई वचन का परिवर्तन होना चाहिए, लिंग का और काल का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर भूतकाल का है तो भूतकाल का ही आएगा। यहां पर देखते हैं हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, इसको हमने कर्तृ में बदलना है, ये कर्म में है, तो कर्म में आपको पता है द्वारा आता है, कर्ता में क्या आ जाएगा, भूतकाल का वाक्य ने आ जाएगा, किसमें, कर्तृवाच्य में, हरीश ने पत्र पढ़ा, यहीं पर क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अगर ये वाक्य ऐसा आता, हरीश के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, हरीश पत्र पढ़ रहा था, ऐसे आएगा कि हरीश पत्र पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हरीश के द्वारा पत्र पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा कर्म में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें कहते हैं, इसका आंसर है पर्यायवाची। पर्यायवाची वे सारे शब्द होते हैं, जो शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, समान अर्थ होगा। इसमें जो अनेकार्थी शब्द है इसमें क्या होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ तो होंगे लेकिन उन अनेकों के फिर एक ही अर्थ नहीं होगा, विपरीत का विपरीत हो जाएगा, और एकार्थी में जिसका केवल एक अर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मुझे कुछ सामान खरीदना है, वाक्य में विशेषण का प्रकार, यहां पर देखते हैं मुझे कुछ सामान खरीदना है। सबसे पहले हमें देखना है कि विशेष्य विशेषण कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, विशेष्य, ये हो जाएगा विशेषण। अब हमें यह देखना है कि क्या विशेष्य को गिना जा सकता है, नहीं, सामान को क्या किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है या
तोला जा सकता है। क्या हम इसको गिनेंगे, मैं चार सामान लाया, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ क्या है, अगर इसको मापा है तोला जाता है तो ये किस में आ जाएगा, परिमाण में आ जाएगा। और इस कुछ क्या है, क्या ये निश्चित परिमाण की बात कर रहा है यहां पर, क्या इसे पता चल रहा है कि कितना है फिक्स, नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण। अगर मैं इसी कुछ को करूं, दो बैग सामान, अब क्या हो जाएगा, दो बैग, ये इस सामान की क्या है, निश्चित मात्रा, यहां पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, निश्चित परिमाणवाचक। जिनको विशेषण के प्रकार पता नहीं है, विशेषण के चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के फिर से दो दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। इस पंक्ति में पंडित जी हैं, तो इस पंक्ति में जो पंडित जी हैं वो किसका कार्य कर रहा है, संज्ञा पद का कार्य कर रहा है। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम खाली पंडित की बात करें तो पंडित तो कई सारे होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जातिवाचक। यहां पर क्या है, उन दिनों पंडित जी क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर पंडित जी का जो प्रयोग हुआ वो किसके लिए हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग हुआ है। तो कोई व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 11th आते हैं, सत्य के प्रति आग्रह के लिए एक शब्द, ये हो जाएगा सत्याग्रह सीधे सीधे। बाकी इसमें कुछ और है नहीं ऐसे डिस्कस करने लायक। 12th पे आते हैं, आज मैं बहुत दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार। यहां पर देखते हैं, बहुत दौड़ा, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, उस क्रिया की विशेषता बता रहा कौन, बहुत। पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कैसे आपको क्रिया विशेषण के प्रकार ढूंढने हैं। यहां पर क्वेश्चन बनाओगे तो क्या बनाओगे, कितना, कितना दौड़ा, बहुत दौड़ा, तो कितना किसमें आ गया, परिमाण में। कहीं ना कहीं ये कितना किसका, कितना का आंसर क्या होगा, एक मात्रा में आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तम, तिमिर, तमीचर, ध्वांत। तो तमीचर जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तमीचर है किसका, राक्षस का। अंधकार के पर्यायवाची हो गए हमारे पास तम, तमिश्रा, तिमिर, अंध, तमस और ध्वांत। ऐसा ही असुर के हैं धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, तमीचर, ये सारे किसके हो जाएंगे, असुर के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14। निम्न रचनाओं में से निराला द्वारा रचित रचना नहीं है, तो अनामिका भी है, बेला भी है, आराधना भी है। जो नहीं है वह है बेला हुई अबेर, और बेला हुई अबेर है सेलेस मटियाने की। अभी फिलहाल हम यहाँ पर निराला की बात करते हैं। निराला जी के जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, इनको आप लोग लिख सकते हो। ध्यान रखना, जो निराला का नाम जो आयोग ने दे रखा है वो केवल पद्य में दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो नाटक हैं या फिर उपन्यास है वो पेपर में आएंगे। फिलहाल आप इन काव्य संग्रह को नोट कर लो। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। वैष्णव की फिसलन किसकी रचना है, तो जो वैष्णव की फिसलन ये है हरिशंकर परसाई का। पिछले पेपर में ये डिस्कस नहीं हुआ था, फिर भी वहां पर काफी सारी रचनाएं थी, उनको एक बार रिविजन कर लेना आप लोग। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे यहाँ पर राहुल सांगत्यायन की। राहुल सांगत्यायन के उपन्यास हैं 22वीं सदी, जीने के लिए, दिवोदास, विस्मृत यात्री, राजस्थान निवास, मधुर स्वप्न, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जय योद्धे और सिंह सेनापति। उस बार इनकी कुछ कहानियां आ जाती हैं। लास्ट में ध्यान रखना इनकी आत्मकथा क्या है, मेरी जीवन यात्रा। तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो ध्यान रखना घुमक्कड़ में तो कौन घूमता है, यात्री घूमेगा, तो मेरी जीवन यात्रा। इनका जो मूल नाम था वो था क्या, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ पांडे। अन्य नामों में इनके महापंडित आ जाता है दामोदर स्वामी, एक नाम और मिलता है त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य, तो ये सारे नाम किसके हैं, राहुल सांकृत्यायन के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। वह सो रही होगी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया,
तो सोना कैसी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? ये एक प्रकार की क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म की आवश्यकता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे काटना, क्या काटा, कुछ ना कुछ काटेगा, है ना। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, खाना, छीलना, ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, सकर्मक। इनमें क्या है, कर्म की आवश्यकता है। काटना, क्या काटा, कुछ ना कुछ काटा होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अकर्मक की बात करें तो बिना कर्म की क्रिया पूर्ण होती है, जैसे सोना है, सोना हो गया, जागना, दौड़ना, हंसना, ये सारी क्या हो जाएंगे आपके पास, अकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का पता लगाना है तो आपको सकर्मक में मिलेगा क्या और किसको का जवाब मिलता है कर्म के स्थान पर। अगर मैं कहूं मोहन दौड़ता है, क्या मैं इसे बना सकता हूं कि मोहन क्या दौड़ता है, क्या क्या की जगह पर मैं इसे क्वेश्चन बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। लेकिन यहां पर क्या है, मोहन खाता है, क्या खाता है, मोहन कुछ खा सकता है, आम खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म की आवश्यकता होगी तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और बाकी जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। अगला है हमारे पास 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, तो यहां पर आपका शुद्ध था हथिनी, शुद्ध क्या हो जाएगा आपका, हथिनी। इसके अलावा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट था तात्कालिक। ध्यान रखना, जब इक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है, जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो प्रथम वर्ण था, प्रथम जो वर्ण होता है उसमें अगर आ की मात्रा है तो आ हो जाती है, अगर ई की मात्रा है तो ए हो जाती है, और अगर ओ है तो क्या जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास समाज है, इसमें मैं अगर इक लगाऊं तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। अभी हमारे पास सा में क्या था, आ था, इक लगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो सा। ऐसे ही ई के बात करते हैं, हमारे पास है इतिहास, इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐसे ही ऊ हो जाएगा, अगर हमारे पास है उद्योग, इसमें इक प्रत्यय लगाओगे क्या हो जाएगा, औद्योगिक। ऊ का क्या बना, ओ बन गया, ई का ए बन गया, और यहां पर आ था तो आ का क्या बन गया, यहां पर आ की मात्रा, इसको ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास निरन, तो निरन कैसे होगा, निरन हो जाएगा। अगला था नकद, तो नगद नहीं होता बल्कि क्या होता है, नकद, इनका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, इसमें हमने संवत को क्या करना था, संवत वर्तनी को शुद्ध करना था, तो संवत कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध संवत, जो लास्ट का होगा वो ताक किसके साथ होगा, हलन के साथ। अन्य वर्तनियां देखते हैं, हस्तक्षेप होगा, वाल्मीकि हो जाएगा, अलौकिक, निरपराध और गत्यावरोध। कई बार हम गत्यावरोध कर देते हैं, देखो ये कैसे बना है, गति प्लस अवरोध। यहां पर क्या है, ई का अगर आ से मेल होता तो क्या बनता है, या बन जाता है ना, आधा ता बचेगा तो वह इस पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका गत्यावरोध। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देवादिदेव में संधि, हमारे पास दे रखा है देवादिदेव, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देव प्लस अधिदेव। तो यहां पर भी क्या है, आ है, और किससे मिला ये भी, आ से, तो क्या बना, आ, क्या हो जाएगा, जहां पर सजातीय स्वरों के मेल से स्वजातीय दीर्घ स्वर बनता है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 20 में, लावारिस में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी वाक्य के आदि में या शुरू में लगकर उस वाक्य का अर्थ परिवर्तित करता है। हमारे पास शब्द है लावारिस,
तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ला प्लस वारिस। ध्यान रखना जो उपसर्ग होते हैं एक तो संधि के नियमों के अनुसार बनते हैं, दूसरा यहां पर जो उपसर्ग लगेगा वो किसी मूल शब्द पर लगेगा और उस मूल शब्द का अपने आप में क्या होगा, एक अर्थ होगा। आपके पास जैसे दो एग्जाम्पल है यहां पर, एक है बदौलत और एक है बदतमीज। ठीक है, अगर इस बदौलत में क्या होगा, अगर इसको देखो कई बार हम सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, बद होगा। अगर हम इसे बद हटा देते हैं तो इसमें क्या बचता है, औलत। क्या औलत का अपने आप में कोई अर्थ है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, बा हटाओ यहां से, बा हो जाएगा प्लस दौलत हो जाएगा। ऐसा ही बदतमीज में क्या हो जाएगा, बद प्लस तमीज। तमीज का अपने आप में क्या बन रहा है, एक अर्थ बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा बद। नेक्स्ट आते हैं 21 में, आविर्भाव का विलोम। आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। ऐसा ही आविर्भूत आता है आविर्भूत, इसका क्या हो जाएगा, तिरोभूत। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ। कलाई खुलने का होता है भेद खुलना। तीन चीजें आती है हमारे पास, कलाई खुलना, पोल खुलना और अंतरपट खुलना। कलाई खुलने का मतलब होता है क्या, भेद खुलना। ऐसे ही पोल खुलने का रहस्य खुलना या रहस्य प्रकट होना। तीसरा है अंतरपट खुलना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। बोलते ना महात्मा जी से मिलकर मेरे अंतरपट खुल गए, मतलब मुझे क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में चार प्रकार के भाषा परिवार हैं, जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद आता है आपका चीन तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रिच भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। 24 में आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी। फिर से यहाँ पे शुद्धवर्तनी छाटनी थी, तो हमारा शुद्धवर्तनी क्या है, सन्यासी। और हमारे ऑप्शन में है कवयित्री, कैसा हो जाएगा, कवयित्री। अगला है उज्जवल और अगला है हमारे पास, ये अभी हो चुका है वैसे, नकद। नकद ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सन्यासी में बिंदु नहीं आएगा, इसका अगर आप उच्चारण करोगे बिना बिंदु के तो ये क्या हो जाएगा, सन्यासी। तो ये सन्यासी नहीं बल्कि क्या होता है, सन्यासी। जो सा के ऊपर जो बिंदु है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, स। ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा आपका, क्या होगा इसका, सन्यासी। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। 25 पे आते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसका कथन है, यह विश्वनाथ का कथन है। उनका कहना था कि जो रसयुक्त वाक्य है वही क्या है, काव्य है। ऐसे ही काव्य के बारे में जो आचार्य भामा हुए हैं, भामा, उन्होंने क्या कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगर शब्दार्थ सहित हो काव्य माता तो ये किसके हैं, आचार्य भामा का।